खास नाम भी जोड़ो, विनम्रता से नाम भी बोलो, तो भी बोलना तो है। आप निवेदन नाम भी करो तो ये माइक बताता है कि बोलना है। क्या बोलना है? राधा स्वामी। सत श्री अकाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जय राम जी की। हमसे किसी ने कहा हरिद्वार के किनारे राम 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 करते जा रहे थे। मैं छोटा सा बच्चा, रुक गए, कहने लगे तेरा कान खींचू, राम राम नहीं बोलना आता, राम 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 राम। मैंने डर से कह दिया राम 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 राम। कोई कहता है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे राम हरे राम हरे राम। कोई देवी का उपासक है तो क्या कहता है वो? जय माता की, जय माता दी। माता की जय। भोले शंकर, भोले शंकर को क्यों छोड़ते हो? हाँ, भोले शंकर भगवान शिव, शिव। हर प्रकार से इंसान एक पुकार उठाता है उसके लिए जो एक ही है, वो अनेक नहीं है, वो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। उसको अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, वाहेगुरु कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, राधा स्वामी कह लो, या कुछ और कह लो, मुझे तो नाम भी नहीं याद। लोगों ने बहुत नाम बनाए उसके, जितनी दुनिया उतने नाम उस एक के। और वो माइंड नहीं करता, वो कहता रखो जितने मर्जी नाम रखो, मैं तो एक ही हूं। एको अहम बहुश्याम। जब मैंने अपने आप को आप सब में बांट लिया, मैं ही हूं, वहां भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं, वहां भी मैं हूं। तुम कहते हो घटघटवासी, तुम कहते हो कण कण में वो समाया है, तो समाया है तो समझो भी कि मैं समाया हूं कण कण में, घटघट में वासी करता हूं, तो कोई बात नहीं, जितने मर्जी नाम रख लो। जिन नामों का कोई मतलब नहीं वो नाम भी रख सकते हो, मतलब के लिए थोड़ा रखा जाता है। तुम बच्चों के नाम रख लेते हो, कुछ लोग तो डिक्शनरियां देख के पंडितों से पूछ के नाम रखते हैं कि उसका कुछ अर्थ हो, लेकिन मेरे से पूछो तो नाम का कोई अर्थ नहीं होता। नाम केवल नाम होता है, तुम्हें एक आइडेंटिटी के लिए दे दिया गया ताकि तेरी पहचान रहे।
वो जैसे नंबरिंग करते हैं ना, कोई सामान हो तो उसकी नंबरिंग कर देते हैं कि वो कहीं धोखा ना खाए आदमी। वैसे ही तुम्हारी नंबरिंग कर दी है माँ बाप ने, वो नंबर तो पहचान आ जाती है। माँ को पता है मेरा बेटा कौन सा है, किस नाम से पुकारना है तो वो आएगा। इस आइडेंटिटी पे हम जिंदा हैं सब, लेकिन हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो नहीं कोई जानता। हमारी आइडेंटिटी क्या है, मैं पूछूं तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है तो क्या जवाब दोगे? मैं पूछूं तुमसे, किसी से भी पूछूं कि बताओ अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तुम पासपोर्ट दिखा दोगे, तुम अपना आधार कार्ड दिखा दोगे, तुम कोई पैन नंबर दे दोगे, कुछ और दे दोगे अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए? मैं फलां, अपना नाम बता दोगे, फलां का बेटा, फलां की बेटी, वहां रहता हूं, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। ये सब झूठ, लेकिन ये चलता है। एक एक शब्द जो तुमने बोला वो झूठ है। ना तुम्हारा नाम है वो, ना तुम्हारे बाप का नाम है वो, ना वो घर तुम्हारा है, ना वो एड्रेस तुम्हारा है, कुछ भी नहीं, फिर भी बोलते हो और सुनने वाला उसको पूरा एक्सेप्ट कर लेता है, रजिस्टर में नोट कर लेता है, या यही हो। ये काम चलाऊ दुनिया है, ये संसार ऐसे ही तुम चला रहे हो। उसको चलाने के साधन इंसान ने बना लिए हैं कि लिखना पड़ेगा, कि याद करना पड़ेगा। उन साधनों के सहारे ये संसार, तुम्हारा संसार चल रहा है। तो तुम ही ने बनाया है, कल भी मैं बोल रहा था, तुम ही ने बनाया है, तुम ही हो इसमें। फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए, क्यों है ऐसे? इतने लोग बैठे हैं यहाँ कि कब सत्संग खत्म हो, कब हम महाराज जी से अपनी बात करें। क्या बात करना चाहते हो? बात तो कुछ है नहीं। अगर बात बिगड़ी हुई है तो तुम्हारे अपने कारण है, अगर बनी है तो तुम ही ने बनाई है, कोई और तो जिम्मेवार है नहीं। किसके ऊपर दोष मढ़ रहे हो? किसके ऊपर दोष मढ़ रहे हो? परमात्मा पे तो कभी ना मढ़ना, तो उसको तो खबर भी नहीं है, कोई खबर नहीं है, वो बेन्याज है, और वो इतना बड़ा है, बेअंत, इसलिए उसको कहा है, वो इतना बड़ा है, कहाँ से तुम्हें देखे, कहाँ तुम हो। इंसान है क्या जो अपनी आइडेंटिटी देता है? ये ब्रह्मांड पता कितना बड़ा है, इसकी कभी पमाइश ना हो पाई। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की इसको नापने की और छोड़ जाने की, कोई उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं नाप सका और छोड़ दिया काम बीच में। कहते हैं विष्णु जी गए ऊपर की ओर, अब ऊपर यहाँ कौन सा है पता नहीं, ये ऊपर है कि ये ऊपर है कि ये ऊपर है, क्योंकि खलाओं में हो तुम। ये छत थोड़े है कि ये छत समाप्त हो गई तो ऊपर ये है, यहाँ कमरे में बैठ के कह सकते हो ये ऊपर है पंखा। लेकिन इस ब्रह्मांड में जब तुम खड़े होते हो मुक्त आकाश में, तो ऊपर कौन है नीचे कौन है क्या पता है? उस ब्रह्मांड में विष्णु जी ऊपर गए और
अनंत युगों तक ऊपर जाते रहे देखते रहे कि कहाँ तक है ये, कितना है ये जो फैलाव है जीवन का, ये कितना है। हार के नीचे आ गए कि कुछ ना मिला, अंत ना मिला। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी गए नीचे, ये तुम्हारे ग्रंथों की कथाएं हैं। ब्रह्मा जी गए नीचे और अनंत युगों तक नीचे जाते रहे, आखिर में हार गए, छोड़ दिया, वापस आ गए और यही कहा कि पता नहीं, कुछ पता नहीं है। ऐसे ब्रह्मांड में तुम्हारी एक धरती है, ये धरती जो गोल है, जो घूमती है, घूमती है सूर्य के इर्द गिर्द, यही हमने जाना है ना। तो उस धरती के ऊपर एक देश है, उस देश का नाम है भारत। तुम उस भारत के बाशिंदे हो, तुम्हारा यहाँ एक शहर है। वो कहाँ है? उसमें है, इतने बड़े ब्रह्मांड में जिसका ओर न छोड़, उसमें ये पृथ्वी कहाँ है? और उस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा शहर कहाँ है? उस शहर में तुम्हारा घर कहाँ है? उस घर में तुम कहाँ हो? ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा वजूद क्या है? दुनिया के किसी भी औजार से या पैमाने से तुम्हें नापा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारा नाप है ही नहीं, नाप ही नहीं है। नापो तो तब ना जब चौड़ाई लंबाई ऊंचाई हो, वो है ही नहीं, शून्य से भी नीचे है। ये इंसान की औकात है, ये हम सब की औकात है। तो फिर सीना क्यों ताने हुए हो? फिर हाथ में बंदूक और बर्छा लिए क्यों घूम रहे हो? उसको खत्म कर लूंगा, उसको खत्म कर लूंगा। तुम हो कौन? मैं पूछता रहता हूं लोगों से कि कौन हो भाई, आप नहीं जानते मुझे? मैं बार बार आता हूं आपके पास। मैं कहना, तुम बार बार आते हो, मैं बार बार देखता हूं, बार बार नहीं पहचान में आते। कैसे पहचानूं? लोग बड़े हैरान होते हैं। तो तुम अपने आप को नहीं जानते हो तो किसको जानने चले हो, बताओ मुझे। जो व्यक्ति एक इकाई के रूप में, मैं समझ लेता हूं तुम हो यहां, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है वो किसको जानने चला है? जिसके बारे में हमने अभी अभी देखा कि ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, वो बेअंत है, ना उसकी ऊंचाई है ना उसकी निचाई है, अथा अकत अलग। इसीलिए संतों ने बड़ी दौड़ लगाई, उनमें परमदयाल जी भी हैं जिनका जन्मदिन आज मना रहे हो, बड़ी दौड़ लगाई उन्होंने कि पकड़ लें उसको। अंत में अलख कह के छोड़ दिया, अलख के वो लखा नहीं, देखा नहीं जा सकता, अगम वो पाया नहीं जा सकता, अनाम उसका मैं नाम नहीं कोई रख सकता, क्या करूं। बेबस होकर के हर संत वापस लौटा, बड़े से बड़ा संत वापस लौटा, जिसको भगवान कहा बुद्ध,
बुद्ध को भगवान कहा आपने, वो सिद्धार्थ एक छोटा सा बेटा गया था जंगलों में, 6 साल बाद लौटा, परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। आज वो कहता है मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। उनके दरबार में एक आदमी सुबह आता है, पूछता है भगवान है? कहता है। दूसरा आदमी शाम को आता है, कहते भगवान है? नहीं, भगवान नहीं है। क्या कहे? वो जिसको कहा है वो सुनना चाहता कि है, तभी वो डरेगा और बुरे कामों से बाज आएगा। और जो पूछता है शाम को, नहीं है भगवान, नहीं है, उसके लिए कि ठीक है, छुट्टी है, मौज है, अब कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है, अब गाओ बजाओ जो मर्जी करो, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, क्योंकि कोई है तो नहीं हिसाब लेने वाला, को गिनती करने वाला। भगवान बुद्ध को स्वयं नहीं पता था, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि भगवान है कि नहीं है, क्योंकि कहां है वो। और अंत में उन्होंने यही कहा कि कोई भगवान नहीं है। महावीर उन्हीं के टाइम में हुआ है, जैनियों के सबसे बड़े गुरु, जैनियों के सबसे बड़े भगवान, भगवान महावीर, उन्होंने भी नकार दिया कोई भगवान नहीं है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, बाकियों को छोड़ो, तुम किसको ढूंढने निकले हो? अपने आप को जानते नहीं हो, किसको ढूंढने निकले हो? ये जिनका आप आज जन्मदिन मना रहे हो, उनको कोई जानता है? यही जानते हो ना, ये फोटो, ये यहाँ बड़ी फोटो रखी हुई, लोगों ने फोटो घर में रखी हुई है, उस पर माला डाल रखी है, ये परमदयाल जी महाराज है। कृष्णलाल आप बताओ, सारी जिंदगी उनके साथ गुजार दी, परमदयाल जी के साथ, बोलो हाँ, जानते हो उनको? बस देख ही रहे हो उधर, जब वो थे तो उनको देखते रहे, अब मैं हूं तो मुझे देखते रहो, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, बैठो। ये उनकी अपनी जाई हुई बेटी हैं यहाँ, वो बैठी हैं। जिसको हमने भगवान कहा है, भगवान परमदयाल जी महाराज, परमदयाल जी को बहुत पहुंचा समझते थी दुनिया, आज भी जो लोग हैं वो समझते हैं उन जैसा संत इस इलाके में नहीं हुआ। उनकी बेटी यहाँ बैठी है, पूछो क्या मिल गया उसको, क्या जानती हैं उनको? जानती भी हैं, जानती हैं तो आके बताएं।
तो फिर क्या है जिनका तुम आज जन्मदिन मना रहे हो? दरअसल उनके बारे में जानते ही नहीं हो। हाँ, उसका जन्मदिन मना रहे हो जिसको हमने वहाँ वो उस धरती में उनको अग्नि देवता के स्पर्द किया और फिर उनकी वो बलबल के पास है ना, वो जगह जहाँ मंदिर बना है, तो फिर उनकी जो अस्थियाँ थीं, जो ध्वंसावशेष थे, वो राख थोड़ी सी वो मटके में भर करके वो हम ले आए। एक हमने होशियारपुर गाड़ दिए। और उसका जन्मदिन मना रहे हो? जो कभी नहीं जन्मता, जो कभी नहीं मरता, न जायते व मरियते व न कदाचन नायम भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो न जन्मता है न मरता है, क्योंकि जन्म ही नहीं तो मरेगा कौन, उनका तुम जन्मदिन मनाते हो हर साल। ये खेल कब तक चलता रहेगा? मैं भी उसी खेल का हिस्सा हूं। मैंने भी अभी पूजा की है, लेकिन आप लोगों से पूछता हूं, ये खेल कब तक चलता रहेगा? और इस खेल से क्या मिला आप लोगों को? क्या मिला? आप तो दुनियावी हो ना, आप तो हमेशा सोचते हो क्या मिला। वही बनिया की मेंटेलिटी है कि क्या मिलेगा इसमें से इसमें से हमें क्या फायदा होगा। हर काम इंसान इसी गरज से करता है कि मुझे इससे सुख मिले, मुझे इससे शांति मिले, मुझे इससे धन दौलत मिले, जिससे कि सुख मिलता है। यही काम करते आ रहे हो और उसका जन्मदिन मनाते हो, मनाते रहोगे, युगों तक मनाते रहोगे, लेकिन तुम वहीं के वहीं या उससे भी पीछे। पीछे बहुत जगह है, लुढ़कने की जगह बहुत है, लुढ़क जाओ, जगह ही जगह है। आगे ऊपर चढ़ने की जगह बहुत कम है और मुश्किल है, वो भीड़ी है, वो गली जो है वो तंग है, और नीचे तो खुला मामला है, जहां मर्जी गिर जाओ, पटक जाओ। क्या होगा इंसान तेरा, क्या होगा नहीं समझा? ये शरीर गुरु नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे भी एक दिन जा करके कोई लोग, कुछ लोग जलाएंगे एक दिन, या दफनाएंगे, जो भी इनकी मौज है। मैंने तो कभी कोई कहा नहीं किसी को कुछ। तो बहुत से तरीके हैं इस नाशवान शरीर को ख़त्म करने के, जला दो, उगाड़ दो, पानी में बहा दो, या वैसे ही जंगल में डाल दो और वो जानवर खा जाएंगे। सवाल ये है कि तुम उस अस्थि पिंजर की सेवा करते हो, उसकी उसकी पूजा कर रहे हो, जिसको जला देना है या जल चुका है, जो जो समाप्त हो चुका है। कबीर साहब कहते रहे, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हो संसार में आगे जम का बंद। गुरु किया है देह को
सतगुरु जी ना नाही, कहें कबीर तादास को तीन ताप भरमाई। बार बार कहा, गुरु को मानिश जानकर भक्ति का करते व्यवहार, सोनर अंध है कैसे जाए भव पार। ये बानियां तुमने सुनी है, तुमने मुझे सुनाई है, मेरी अपनी बानी नहीं है ये, तुम लोगों से मैंने सुनी है और फिर भी नहीं समझे कि इसकी पूजा वो करे, इस देह की पूजा वो करे जिसने नरक में जाना है, जिसने गलना है, सड़ना है, जिसने अपना उद्धार नहीं करना है, जिसमें डूबना है वो करे। कबीर साहब की बात झूठी भी हो सकती है, लेकिन मैं उनको मानता हूं कि वो सच्चे इंसान थे, सच्चे पुरुष थे, जो देख गए वो कह गए। हमारे यहाँ एक वो है गुरु के बारे में है कि गुरु कौन है, तो जो वेदवाणी है, जो सनातन धर्म है, जो शुरू से चला है सबक, वो ये है कि उसमें दो ही चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वो ब्रह्मनिष्ठ हो, दूसरे शास्त्रज्ञ हो। शास्त्र को जानने वाला और परमात्मा में लीन हुआ वो है सतगुरु, सनातन धर्म कहता है। मैं इसको और छोटा कर दूं, शास्त्रज्ञ भी होने की जरूरत नहीं है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो उसमें लीन है, उसके सब शास्त्र विदित हैं, वो सब शास्त्र पहले से ही जानता है, उसी से शास्त्र सब निकले हैं, इसलिए एक ही काफी है। मैं खंडन नहीं कर रहा सनातन धर्म का, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसको और छोटा कहा जा सकता था कि ब्राह्मणिष्ठ काफी है, को परमात्मा में जा मिला, जो जो स्रोत है सब ज्ञान का, सब शास्त्र यहाँ से निकल के आए हैं, वो वहीं जा मिला, क्या करना उसने। लेकिन कौन है वो, कौन है जो वहां जा मिला, शरीर को तो भूल जाओ। मैंने तुम्हें बोला, बार बार बोला कि शरीर सतगुरु नहीं है, मत टीके लगाओ, मत उसको पोशाकें पहनाओ, मत उसकी आरतियां उतारो, वक्त बहुत निकल गया, बहुत ज्यादा कर लिया, तुमने जन्मों जन्मों से यही काम किया है। और एक और दृष्टि से कह दूं कि ये जो भी काम है ये भौतिक हैं, ये माइक हैं, ये सांसारिक हैं, ये इस जगत के हैं, ये इससे ऊपर नहीं जा सकते, यहीं रह जाते हैं, ये परमात्मा तक नहीं पहुंचते। ये नहीं कहीं भी जाते, ये तुम्हारा खेल है, तुम खेलते हो, उस खेल में तुम्हें अच्छा लगता है, खेलते रहो, तुमने खिलौने बना लिए हैं, इनके साथ खेलते खेलते जन्म बीत जाता है, जीवन बीत जाता है। और जिस आनंद की बात करते हो, जिस उस आनंद में रहने की बात करते हो, वो आनंद मिलता नहीं अंत तक। जब पहला जन्मदिन था परमदयाल जी महाराज का, तब वो शरीर में थे, मैंने उनके लिए दो पंक्तियां बनाई थी उस वक्त, तो वो पंक्तियां अब भी मैंने आपको दी हैं, आप गाते हो उसको, बजाते हो। और ये हमारी बेटी नीरजा पंडित, ये अपनी सुरीली आवाज़ में प्रयोग करके इसने भी आपको सुनाया है कई बार, और इसके टेपों में भी होगा, जो टेप इसके गीतों के आपके पास हैं। इसने सेवा की है, सेवा दी है, कोई मोल नहीं लिया।
कोई पैसा नहीं दिया, पैसे के लिए किया भी नहीं, ये इसकी तरफ से चढ़ावा है आप सबको, आप सबके लिए। तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए। शुक्रिया करो उसका तालियों से ही, और नहीं तो और साथ में उनके पति देव नाराज ना हो जाएं, वो भी बैठे हैं। अशोक पंडित जी, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अशोका, वो कौन से थी? दो लाइनें छोटी सी हैं, आपको याद है, आपको सबको याद है। दीना बंधु दीना नाथ तू है दीन दयाल, दुख हरता सुख दाता तू है परम दयाल। दीना बंधु दीना नाथ तू है आवेग में गाड़ी में जा रहे थे, तो हम नहीं दो लाइनें ये उनके लिए जिनका जन्मदिन मना रहे हो, उस परमात्म रूप परम दयाल जी महाराज के लिए गाई इसी धुन में, उसको और परिष्कृत करके इसने नीरजा पंडित ने आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। अब वो जो परम दयाल का शब्द है, वो दरअसल सतगुरु के लिए, हर सतगुरु के लिए है जो दयालता की परम शिखर के बिंदु पे बैठा है, जिससे ऊपर कोई दयाल नहीं हो सकता। दयालों का दयाल वो परम दयाल है, लेकिन दाता दयाल ने, उनके गुरु ने है परम दयाल जी को एक उपाधि के रूप में या प्रेम से ये उनके नाम के आगे लगा दिया था, परम दयाल।
तो परम दयाल के नाम से वो जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। अब तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? उसी परम दयाल, जैसे कि गुरु मां ने अभी कहा कि हम बात कर रहे होते हैं, लोग बीच में ले आते हैं, परम दयाल जी, परम कबीर साहब ले आते हैं जी, कबीर साहब ने ये कहा है, कबीर साहब तो जाओ कबीर साहब के पास, वही निदान करेंगे, वही निदान करेंगे जिनकी याद है बनी हुई, जिनके शब्द याद हैं, जिनकी संज्ञा याद है। मैं ग्रंथ खोल के उनमें से कथाएं नहीं पढ़ पढ़ के सुनाता आपको, न मैं कोई शास्त्रज्ञ हूं कि शास्त्रों के पन्ने खोल करके और आपको वचन सुनाता रहूं। मैंने जो सच्चे हो करके, सच्चाई के रास्ते पर चल करके बहुत लंबे समय से, जब मैं सर्वस में था तब से, उससे भी पहले था, मैंने जो यात्रा में पाया है और मंजिल पे पहुंच के पाया है, उसको अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंगों से तुम तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करता रहा हूं, बहुत प्रयास करता रहा हूं। इंसान के पल्ले फिर भी नहीं पड़ता, उसके पल्ले फिर भी नहीं पड़ता, वो फिर भी उसको कोट करेगा, उसको कोट करेगा, उसको कोट करेगा। अरे जो थोड़ा बहुत सबक तुम्हारी बुद्धि में आता है, तुम्हारे मन में आता है, उसको तो पकड़ लो, उसको तो देख लो, तुम्हें उसको भी नहीं पता, अपना ही नहीं पता, अपना ही नहीं पता। और यही गुरु जिनके लिए तुम गाते रहे, किस मुख से गाऊं, गुरु महिमा अगम अपार, गुरु प्यारे पे मैं जाऊं बलिहार, ये गाते रहते, गाते आए हो, किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, तो सत्पुरुष अविनाशी है, चेतन घन अमल विमल निर्मल, सत सदन परम सुख राशि है। कोई कहे उगुण है, कोई कहे सुगुण है, कोई निराकार साकार कहे, तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं, चेतन घन अमल विमल निर्मल, सत सदन परम सुख राशि है। दुर्पद दुर्धाम निवासी है, ये क्या कहो, छोड़ दिया वो धुरपद, कौन पहुंचाएगा तुम्हें धुरपद पे, वो धुरपद पे आनंद है। धुरपद धुरधाम निवासी, तेरा जो सतगुरु है वो कहाँ निवास करता है? वो दक्षाई के 12 नंबर बंगले में नहीं निवास करता, ना वो यहाँ रामगढ़ में रहता है, वो निवास करता है धुरपद धुरधाम, अगर वो सतगुरु है, नहीं तो वो सतगुरु नहीं, उसको सतगुरु बोलते। जो यहाँ रहता है उसको मथे मत देखो, जो दक्षाई में है उसको मथे मत देखो, धुरपद धुरधाम निवासी है। धुरधाम का अर्थ होता है जो धुर में धाम है, वो धाम जो असली है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है सब धामों की, जहां से सब धाम निकल के आए हैं, उस परम स्रोत तक पहुंचो तो सतगुरु मिले। तू कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, वो ये वही कहते हैं जिनको पता न लगा हो, कभी तो देखते हैं सब कुछ है वही, कभी देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, परम शून्य है, क्या है वो?
लेकिन साथ ही साथ जिन्होंने सतगुरु की व्याख्या की है इस प्रकार से, उन्होंने ये भी कहा कि तू भी सतगुरु है। दुर्पद दुर्धाम जाने की जरूरत नहीं है, तू स्वयं में सतगुरु है। घर घर बले दीप लखे नहीं अंध है। अंधा है वो इंसान जो ये नहीं देख पाता कि मेरे अपने ही घर में, मेरे अपने अंतरतम में एक दीप जल रहा है। वो दीप्त है। ये लग बात है कि तुमने शायद मिट्टी गारा इस दुनिया का लेकर के उस पर लेप दिया है, या उस पर पर्दे डाल दिए हैं, या उस पर पत्थर डाल दिए हैं और उसको दबा दिया है, ये अलग बात है। लेकिन है तो वो उसी कबीर साहब ने कह दिया, कस्तूरी कुंडल बसे, बस बात खत्म हो गई। इतने में सारा अध्यात्म आ गया, इसके आगे मत पूछो ना, मत सुनो, मत सुनाओ। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, मृग के नाभ में, नाभि में मृग की, मृग होता हिरण, और हिरणी की नाभि में जो कस्तूरी है, वो जब नाभि खिलती है, नाभि जब खुलती है, तो उसकी कस्तूरी की खुशबू सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मीलों तक जाती है। हवाएं कहां से कहां उसको ले जाती हैं, और वो मृग उस कस्तूरी की खुशबू में पागल है। वो कहता है ये कहां से आने लगी, ऑल ऑफ ए सडन मैं तो गंदगी में था, मैं तो ऐसे बदबू ले रहा था, लेकिन ये अचानक नाभि खुलते ही अचानक वो खुशबू कहां से आने लगी। वो खुशबू जो मादक किए जा रही है, जो पागल किए जा रही है, वो जब तक मिल न जाएगा वो कस्तूरी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब वो भागता है, भागता है, जंगलों में, पहाड़ों में, ऊपर नीचे पेड़ों पर चढ़ जाता है, नीचे आ जाता है। वो मृग उसकी हालत तुम नहीं जानते, आजकल के इंसान से भी बदतर हालत है उसकी। आजकल का इंसान आनंद ढूंढने, सुख ढूंढने के लिए जो छलांगे मारता है, दौड़ता है, फाड़ता है, कुछ नहीं होता है। वो आनंद, वो परमानंद, वो जो खुशबू है, वो नायाब है, वो दुनिया में किसी कहीं नहीं है, उस कस्तूरी की खुशबू इतनी उसको पागल कर देती है कि उसको कुछ नहीं सूझता। उस पागलपन में वो हजारों मील दूर इधर उधर भागता है, चट्टानों के साथ अपना सिर मारता, सिर पटकता है, भीतर है, अपने पास है, ढूंढता भाग के, वो बाहर से आ रही है। ये ख्याल ही नहीं आता कि अपने पास है, इसका ध्यान नहीं आता। अंत में मृग मर जाता है, लहूलुहान होके मर जाता है, बुरी तरह से मरता है। देखा कभी? चले जाओ जंगलों में, देख लो, बहुत बार होता है ऐसा। उसको कस्तूरी नहीं मिलती, वो उसी के आनंद में बस समाप्त हो जाता, ढूंढते 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 ढूंढते। ऐसे ही इंसान है, शत प्रतिशत ऐसे ही है। तुम ढूंढते हो, किसको सुख ढूंढने आए हो, किसी को कहो दुख ढूंढने आए हो, तो कभी नहीं हाँ भरता। दुख क्यों चाहिए? दुख तो चाहिए नहीं, दुख से भागते हो दूर, दुख से दूर भागते हो, सुख ढूंढते हो, सुख ढूंढते हो, वो सुख जो आगे कभी जाए नहीं, आनंद ढूंढते हो, परम आनंद ढूंढते हो, और ढूंढते ढूंढते वो मिलता नहीं, मर जाते हो। गुरु मिले,
गुरुओं के नाम पे कौन मिला ये नहीं मैं जानता, लेकिन मिले ये तुम जानो कि कौन है गुरु। मिले बहुत, कस्तूरी ना मिली। तो कबीर साहब ने बड़ा ही एक अनोखा मिसाल दे के समझाने की कोशिश की है कि कस्तूरी कुंडल बस है, मिस हो गया, ये तेरे पास ही है, सब कुछ तेरे पास है, तू बाहर कहाँ भाग रहा है इंसान। परम सुख तेरे पास है, परम आनंद तेरे पास है, तू क्यों खप रहा है। सतगुरु इसी की चेतावनी देता है, सच्चा सतगुरु वो है जो तुम्हें ये समझा दे कि भागना बंद करो, सब तेरे पास है, ये रहा ये रहा, ऐसे करके खोल देता है, ऐसे करके खोल देता है। और सतगुरु कोई कृष्णा नहीं, तुम्हारी तरह है। तीन ही तत्व हैं जगत में, एक तो परमात्मा जिसको कहते हो, जो सर्वशक्तिमान एनर्जी है, एनर्जी फिनोमेना कह लो उसको, शक्ति का स्रोत महास्रोत कह लो उसको, भगवान कह लो उसको, ना कहो कुछ भी ना कहो, वो है एक, वो तत्व तत्व रूप में है, कोई शय नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई आदमी या औरत के रूप में नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो कोई वजूद नहीं उसका, ऐसे सब जगह होते हुए भी उसका कोई वजूद नहीं है। वो कौन है? वो है। और दूसरा तत्व है मैं, जीवात्मा। ये एक ये है, एक वो है, एक तीसरा ये संसार, ये जो संसार फैला हुआ है जिसको माया कहते हो, माया महाठगनी हम जाने, ये जो पदम कदम 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 पे जो तुम्हें छलावे देती है, बहलाती है, मन छलांगे लगाता है, कहीं कहीं चल ले जाता है, अच्छे रास्तों से गलत रास्तों में ले जाने वाला मन, ये सारा संसार, ये तीन ही तत्व हैं जगत में, चौथा नहीं है। चौथा अगर जानना चाहो तो वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व कौन है? वही जीव, वही जीव तत्व जिसने उसको जान लिया, जो द्रुपद में जा बैठा, उसी को हमने गुरु तत्व कहा। दरअसल किसी शास्त्र में गुरु तत्व का जिक्र नहीं है। वही गुरु, तुम सब गुरु तत्व हो, तुम सब वो हो, नाभि सबके पास है, तो फिर कस्तूरी भी है, फिर क्यों भाग रहे हो? जाओ कस्तूरी को खोल लो, मजे लो। वो ऐसी एक किमिया होती है कि उसको जानने वाला वही हो जाता है। तुम्ही को जानना तो तुम ही हो जाएं, कितनी बार मैंने बोला, तुम्ही को जानना तो तुम ही हो जाएं। जिसको तुम जान लेते हो, पूरा जान लेते हो, अंतरतम से जान लेते हो, तुम वही हो जाते हो। जिसने भगवान को जान लिया वो भगवान ही हो गया, उसको भगवत्ता कह लो, उसको भगवान कह लो। ऐसे नहीं हमने बुद्ध को भगवान कह दिया, या महावीर को भगवान कह दिया, या कृष्ण को भगवान कह दिया, या राम को भगवान कह दिया, कुछ देख के कहा, कुछ समझ के कहा, कुछ जान करके कहा। तुम भी
वही हो सकते हो, एक एक इंसान उसी भगवत्ता को लिए हुए है, उसको चरितार्थ कर ले तो वही भगवान हो जाता है, तुम ही भगवान हो जाते हो। आज तुम जीव की तरह हो, कल तुम भगवान की तरह पूजे जा सकते हो। लोग बहुत पूजने वाले, ये बुद्धिहीन लोग बड़े बैठे हैं, सब लग लेंगे पीछे, सब पीछे लग लेंगे। भगवान आए, भगवान आए, भगवान को पूजो, भगवान को पूजो, भगवान को पूजो। आज मुझे लोग आके बताते हैं, महाराज जी गुरु तो अनंत हैं इस जगत में, पहले तो एकाध सुनते थे, अब तो वे बहुत हैं। तो फिर तो और मौज हो गई, गुरु भी ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु पास ही है, तो पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, वो तो मैं उस कस्तूरी तक पहुंचा देगा। वहां पहुंच गए तो समझो वो परम धाम, परमात्म धाम, वो लख गम नाम को पा लिया, उस लख गम नाम को पा लिया। दूर मत जाओ, भागो मत। एक शाहूकार था, उसके घर में एक चोर मेहमान बन के आ गया। तो मैं पहले भी शायद मैंने कहा है, वो चोर चिट्ठी ले आया इस शाहूकार के दोस्त की कि ये मेरा जानकार है, ये कुछ दिन हरिद्वार में रहते थे, कि ये थोड़ा सा गंगा के किनारे रहना चाहते हैं, इनको रखिएगा अपने पास, अतिथि है, अतिथि बन के आया है। तो उसको खूब उसकी सेवा करते हैं, उसको घर में रखते हैं। शाहूकार है वो चोर, अंदर से आया वो चोरी के मनशे से। तो वो रोज ढूंढता है, रोज ढूंढता है कि वो कहाँ, पैसा कहाँ है, क्योंकि शाहूकार सुबह उठ करके पैसे की बात करता है, थैलियाँ इकट्ठी करता है सारी पैसे की, पैसा लेके जाता है व्यापार करने के लिए, शाम को आकर फिर भरे हुए होते हैं थैले उसके पास, वो सब पैसे के। तो होता क्या है, पैसा है कहाँ, बड़ा ढूंढता है, शाहूकार के जाने के बाद ढूंढता रहता है, अलमारियाँ ढूंढता है, ओटेची ढूंढता है, घर बार ढूंढ लेता है, पैसा मिलता नहीं, पैसा मिलता नहीं। चोर की सारी यातना, सारी कोशिश विफल रही, उनको फल न लगा। जाने का दिन आ गया, चोर को विदा करना था, जाओ बहुत हो गया। तो वो चोर जाते वक्त कहता है, क्षमा चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं चोरी की नजर से आया था आपके पास, और मैं रोज रात को जब आप सो जाते थे तो मैं एक एक जगह ढूंढता था, मुझे कहीं मिला नहीं धन, और धन आपके पास मैंने देखा, बहुत धन है, सुबह भी देखता हूँ, शाम को भी देखता हूँ, लेकिन रात को गायब हो जाता है। तो शाहूकार ने कहा, मुझे भगवान ने अकल दी हुई है, मैं वो सारा कैश भरा हुआ थैला तेरे सराहने के नीचे रख देता था, चोर के सराहने के नीचे पड़ा है। चोर सब जगह देखता है, नहीं मिलता है, अपने सराहने के नीचे देखना भूल गया है, नहीं तो कोई यत्न नहीं करना पड़ता, वहीं बैठे बैठे माल मिल जाता। ऐसा ही हाल तुम्हारा है, ऐसा ही हाल हर इंसान का है। पास होते हुए तुम दूर जाते हो, केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे परमात्मा को पाने के लिए, अमरनाथ चले गए, कहीं नीचे चले गए, नीचे रामेश्वरम, बड़े स्थान हैं परमात्मा के, परमात्मा बैठा है सब जगह, पूर्ण रूप में बैठा है, तुम उसको पाने जाते हो, उसका आशीर्वाद पाने जाते हो, वो है अपनी बगल में, अपने पास है।
उसी भिखारी की तरह ना, जिसकी बात कई बार आपके साथ की है, वो भिखारी बैठा है एक ढेर पर और सारा जिंदगी भीख मांगता है, सारा जिंदगी लगा हुआ भीख मांगने, भिखारी ही मर जाता है एक दिन और लोग कहते हैं कहाँ इसको उठा के लेके जाएंगे, यहीं दफना दो जहाँ ये बैठा है, वहीं इसकी इसकी समाधि बना दो। तो वहां खोदते हैं उसको गाड़ने के लिए, तो नीचे से धन के अंबार निकलते हैं। जिस जगह बैठा है भिखारी वहीं दबा है धन, और भीख मांगते मांगते मर गया। ये इंसान की हालत का जिक्र कर रहा हूं मैं आपसे। तो आप पूछोगे कि महाराज जी करना क्या है, भगवान आपने कह दिया मिलता नहीं है, वो वहां है वो नहीं है, ये सब हो गया, और गुरु आपने कह दिया कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, गुरु तो बहुत हैं लेकिन कब ब्रह्मनिष्ठ हो ये कैसे पता लगे, कौन पता करे। फिर हो गया ना बंटाधार हो गया। मैं तुम्हें कई बार एक रास्ता बताता रहा हूं, बड़ा छोटा रास्ता है, बड़ा ही सीधा रास्ता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, कस्तूरी अपने आप तेरे पास चली आएगी। वो धुरपा धुरधाम निवासी जो है वो तेरे अंग संग होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो लोग आनंद परम आनंद पाना चाहते हैं वो सुन ले ध्यान से, काफी है तो नोट कर ले, भूल जाता है आदमी, बार बार भूलता। मैं तो कहता ही आया हूँ, कब से कह रहा हूँ, 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल नहीं, 40 साल से बोलता आ रहा हूँ, यही बात बोलता आ रहा हूँ, कोई नई बात नहीं मेरे पास कहने को। पहला काम जो करना है आपने, पहला काम क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, पहला काम है वर्तमान में ठहर जाओ, दूर नहीं जाना, केवल वर्तमान का ये क्षण है इसमें ठहर जाओ। ठहरने का अर्थ है कि सब बंद कर दो, सारे ज्ञान सारे आनंद तुम्हारे पे अभी बरस जाएंगे, तुम प्रेजेंट में ये जो यहाँ का एक क्षण है इस क्षण में ठहर जाओ। क्या होगा, होना क्या, ना दुख रहेगा ना रोग रहेगा ना शोक रहेगा, क्यों, सारे दुख सारी चिंताएं सारे पुआड़े आपके जीवन के वो सब समय में है, वो सब समय में है, आपने वो भूत में है या भविष्य में है, आपने समय ही समाप्त कर दिया, आप प्रेजेंट मोमेंट में खड़े हो गए जहां कोई समय नहीं है, समय तीत अवस्था है। ताली मत बजाना, नोट करना, याद रखना इस बात को, याद रखना कि वर्तमान के क्षण में ठहरने से सारी नियामतें बरसने पड़ते लग जाती हैं एक मिनट में,
क्योंकि सारा जीवन का दुख का व्यापार, सारे जीवन के रोग शोक चिंताएं वो सारी समय में फैली हुई हैं। समय ना हो तो वो भी ना हो। तुमने समय का जो एक पॉइंट बिंदु है वर्तमान, उस पे ठहरना मकबूल किया, उस पे ठहर गए तो बस, न भूत रहा न भविष्य रहा न समय रहा, समय तीत अवस्था में पहुंच गए। और समय तीत अवस्था में पहुंचते ही सब अनंत तुम्हारे हो गए। समय ही तो पकड़े हुए है इंसान को, समय के बाहर तो कुछ भी नहीं है, सब समय के अंदर है, सब बंधे हैं, मुक्ति किसी की भी नहीं हो सकती, आजाद कोई भी नहीं है, सब समय के अंदर है। जन्मे हो मौत आएगी, समय ने निर्धारित कर रखा है। समय सबसे बलवान, इसलिए कहते हैं ना, समय बहुत बलवान है। न भक्ति करनी है, न धूप दुखानी है, न फल चढ़ाने हैं, ना मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे ये सारे इनके द्वार खटखटाने हैं, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने के। घर में बैठे हो बैठे रहो, एक बात कर लो कि वर्तमान के क्षण को नहीं छोड़ना है। मन है भूत में जाएगा, मन है भविष्य में जाएगा, ना उसको कहीं नहीं जाने देना, उसको रोक लेना है, उस मन को ठहरा देना है एक प्रेजेंट मोमेंट में। छोटा मोमेंट होता है, बहुत मोमेंट छोटा होता है। और पहला ये, कर सकोगे मैं जानता हूं, कर सकोगे तो जरूर करोगे, कर सकते हो, आशीर्वाद है आपको, आप कर सकोगे। ये दूसरी बात ये है कि प्रसन्न रहने की कोशिश करो। मैंने कोशिश कहा क्योंकि तुम प्रसन्न होते नहीं। जितना मैं प्रसन्नता पे जोर देता हूँ उतना ही मूर्धनि बना के खड़े रहते हो, उतना ही अफसोसदा होके आते हो। जो घर पे कभी रोया नहीं हो यहाँ आके मेरे सामने रोने लगता है। किसकी सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो? ये नहीं करना। तुम प्रसन्न रहो। ऐसे नहीं वेदों में कहा गया प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, कि परमात्मा के दर्शन करने वाले के वो ही करता है जो प्रसन्न चित्त से प्रसन्नता है, जिसकी प्रसन्नता पूर्ण रूप से बनी हुई है। हम स्काउट्स की वर्दी पहना करते थे तो वो इंस्पेक्शन करते थे तो वो कहा करते थे हमें कि अनलेस यू वेयर ए स्माइल यू आर नॉट ड्रेस्ड फुली। जब तक तुम स्माइल नहीं, तुम्हारे मुंह मुस्कुराहट नहीं आती तुम्हारे चेहरे पे, तुमने पूरा कपड़ा नहीं पहना। तुम कपड़े पहन के भी नंगे हो, वो स्माइल। स्माइल का अर्थ है ऐसे ही नहीं मुंह खोल के चौड़ा कर देना। स्माइल का अर्थ है कि भीतर से एक मुस्कुराहट हो, वो आंखों से भी झलक जाती है, तुम्हारे माथे से भी झलक जाती है, तुम्हारे अवभाव से झलकती है। तुम ना भी मुंह खोलो तो भी झलकती है कि एक मुस्कुराहट भरा इंसान है।
मुस्कुराहटों से भरा हुआ इंसान है। और उसमें उसमें एक और बात है जिस पे बड़े वैज्ञानिक परिशोध भी हो चुके, जब तुम प्रसन्न चित्त होते हो तुम्हारे पास मन नहीं रहता, अपने आप वर्तमान में ठहर गए। प्रसन्न चित्तता में तुम्हें पता नहीं होता तुम कहाँ हो। असली जब प्रसन्नता आती है तो तुम्हारा मन नहीं होता, सोच विचार खत्म हो जाते हैं, ना सोच रहा ना विचार। सोच विचार करने वाला आदमी हंस ही नहीं सकता, जो सोचता है विचारता है वो कैसे हंसेगा, उसको तो बहुत कुछ सोचना है। वो तो विचार का बना हुआ है, वो तो कहेगा जरा अगली जरा कौन सी है, अगली जरा कौन सी है। अब वकीलों को पूछो वो जरा नोट करते रहते हैं सुबह भी शाम भी रात को सोते वक्त भी। नहीं, सोच गई तो प्रसन्न चित्तता अपने आप आ जाएगी, प्रसन्न चित्तता आ गई तो सब सोच समाप्त। और जहां सब सोच समाप्त वहां तुम्हारा सारे जीवन का मल गया बाहर, वो बचा ही नहीं। ये दो आयाम ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुमको मंत्र नहीं दिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये दो जिंदगी में अपनी में उतार लो। तीसरी अगर पूछना चाहो तो जिनसे नहीं ये हो पाता, तीसरी बताता हूं बात, शुक्रिया अदा करना सीखो। मैं सीखने की बात इसलिए कहता हूं कि आता ही नहीं तुम्हें। सुबह सूर्योदय हुआ है तुम्हारे लिए, रोशनी लाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम बनाने के लिए, तुम्हारे खेतों में उपज होगी सूर्य के कारण, तुम्हारे खेतों में पानी बरसेगा सूर्य के कारण, तुम्हारे को जल मिलेगा सूर्य के कारण, खाना मिलेगा सूर्य के कारण। वो भगवान, इसको ऐसे नहीं कहा, भगवान सूर्य देव कहा है। तो वो उगता है रोज आता है, क्या पता परमात्मा स्वयं उस सूर्य के रूप में प्रकाश बन के तुम्हें झांकने आया है। शर्म करो कुछ, क्यों सोए रहते हो, प्रकाश के समय तो उठ जाओ। मैंने तुम्हें 2 बजे उठने को कहा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम प्रकाश जब है अभी उगा है अभी आ रहा, उगते हुए सूर्य को देखो और झुक जाओ और नमस्कार करो। एक बार नहीं लाखों बार नमस्कार करो कि तेरा तो तू है तो मैं हूं, मेरी श्वास चल रही है क्योंकि तू है, तू नहीं है तो कुछ नहीं है। और फिर अपनी श्वास पे ही आ जाओ, श्वास का धन्यवाद करो। रोज सुबह उठते हो श्वास चल रही होती है, बड़ा अजीब की बात है, बंद भी हो सकती थी। लाखों लोगों की सुबह उठते ही बंद हो जाती है इस देश में, पता है, रोज। तुम कितने बड़े लकी हो, तुम कितना बड़ा, कितने बड़े मैं समझता हूं अहो भाग्य है तुम्हारा। मैं तो तुम्हें नमस्कार करता हूं कि तुम सुबह उठ जाते हो रोज, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, उठोगे गालियां दोगे गुस्सा होगे उधर जाओगे भागो, कुछ का कुछ। कई घरों में मैंने देखा उठते ही झगड़ा, उठते ही झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, झगड़ा करके सोए थे, झगड़े के साथ ही उठेंगे। किसको खबर है सूर्य की, सूर्य के दर्शन करने की, भगवान सूर्य की, और किसको खबर है अपना श्वास देखने की चल रहा है नहीं चल रहा। तेरा श्वास है इंसान चल रहा है, शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर।
तुम्हारे जीवन को बदलने की एक ही शब्द है, अगर तुमने शुक्रिया सीख लिया। हर एक इंसान का, पेड़ का, पौधों का, आकाश का, धरती का, धरती से तुम निकल के आए हो, धरती तुम्हारी जननी है, इसीलिए इसको माँ कहा है। इसका जो से तुम्हारे में, वो जो पांच तत्वों का शरीर लिए घूम रहे हो, उसमें एक सबसे बड़ा तत्व धरती का है, जल का है। तुमने कभी उनको नमस्कार किया? कभी उनका धन्यवाद माना हृदय से? तुम इतना ही कर लो, चलो छोड़ो सारी बातें, कस्तूरी मिले ना मिले, धाम पे पहुंचो ना पहुंचो, धाम वाला आए ना आए, तुम केवल शुक्रिया अदा करने लग जाओ। अपने पड़ोसी का भी, अपने दुश्मन का भी, अपने बैरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। हाथ जोड़ने का अर्थ ये होता है मुझसे शर्माया ना करो, तुमसे साड़ी भिजवाते हैं उसका बहुत गहरा असर होता है। सिर्फ तुम्हारी आंखों पर ईश्वर ही नहीं होता, दो के इन दोनों हाथों के जुड़ने से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ आते हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों साथ आते हैं, तो तुम खुद सोचो कि जब दोनों साथ होंगे, प्रकाश भी और अंधकार भी, तो क्या अंधकार टिकेगा? प्रकाश के आते ही अंधकार चला गया तो सिर्फ पॉजिटिव टिकेगा, नेगेटिव टिकेगा ही नहीं, नेगेटिव टिकेगा ही नहीं। ये दोनों को साथ जोड़ते ही, किन्हीं वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इससे ज्यादा गहरा संबंध तो अपने साथ कोई नहीं है सिवाय इसके कि हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, अरे जोड़ दो। जोड़े रखो, हाथ जोड़ने से वो दोनों पोलो, वो अपना यिन योंग सुना है, वो रोग और शोक एक तरफ और खुशी और प्रसन्नता दूसरी तरफ, दोनों मिल जाते हैं। फूल और गंदगी दोनों मिल जाते हैं, फूल की खुशबू गंदगी को रहने देगी? तुम खुद सोचो, दोनों को मिला दो, एक संतुलन आएगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर एक बैलेंस आएगा, एक हार्मनी आएगी, वही हार्मनी जिसको अष्टावक्र ने अपने गुरु, अपने गुरु था ना अष्टावक्र, राजा जनक का अपने शिष्य राजा जनक से कहा, जनक लय वरज तू लय में आ जा, तू हार्मनी में आकर के अपने सारे जिंदगी के, अपने सारे हार्मोन्स की सिक्रीशन पूरी कर ला। हार्मनी में रहना सबसे उत्तम है, ना क्रोध आएगा, ना जलन होगी, ना द्वेष होगा, ना वैर होगा, बुरा काम ही नहीं कर पाओगे तुम हार्मनी में होगे तो। जब भी बुरा काम होता है इंसान डिसहार्मनी में होता है, वो यूनाइटेड नहीं होता, वो टूटा हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है। तुम्हारे बुरे काम हम समाप्त हो गए, सारे ही बुरे काम समाप्त हो गए, कुछ कर ही नहीं सकते तुम। तो हार्मनी, संतुलन, इसमें आ जाओ, बड़ा सुंदर है। इसी में तुम शहंशाह बन जाओगे, इसी में तुम परम प्राप्ति कर लोगे, इसी में तुम्हारे भीतर जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद ही आनंद होगा। और जिनसे कुछ भी नहीं सब होता, वो एक काम करें, उनके लिए भी मेरे पास है,
कुछ कर लो। मैंने कितने तरीके बताए तुम्हें, कितनी विधियां बताई, कितने रास्ते बताए तुमने, कुछ नहीं चुना। चुना तो 10 दिन के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर बंद कर दिया। हर रोज सुबह शाम 20 मिनट निकालो, ज्यादा नहीं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं दिन के, बड़ा लंबा जीवन है। एक साल में 365 दिन आ जाते हैं, कितने घंटे होंगे जरा इमेजिन करो। तो तुम्हारे पास दिन के 24 घंटों में तुम केवल 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम को निकालो, बस। उन 20 मिनटों में क्या करना है, बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, जहां जी कहता बैठ जाओ, पालथी माल के बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ, किसी आसन में बैठ जाओ, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो। ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, यही है सब कुछ, सब कुछ यही है। इसी के अंदर से कुंडली जागृत होती है, इसी के अंदर से ऊर्जा तुम्हारे शरीर के सब कोनों में जाती है, इसी के अंदर से सारी नाड़ियां नस जाती है। रीढ़ की हड्डी को तुमने सीधा कर लिया तो आज ही बीमारियां तो वैसे ही दूर हो गई। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके केवल 20 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद रखो, कोई सोच ना आए, कोई विचार ना आए, कुछ नहीं करना, ना किसी का नाम जपना है, ना किसी की फोटो देखनी है, ना कहीं ध्यान लगाना है, कुछ नहीं करना। इतना कर सकोगे? हाँ, के भी नहीं कर रहा। अरे ये छोटा सा काम, 20 मिनट निकालो अपने जीवन के, 20 मिनट में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, एक कंफर्टेबल आसन में बैठे हुए, विचार कोई नहीं आने देना। जब भी विचार आए मन में, फिर अपना आ जाओ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। दोनों आंखें बंद, अगर नहीं विचार रुकते तो श्वास जाता है ना, श्वास भीतर गया बाहर गया, आती जाती श्वास के प्रति साक्षी हो जाओ। कुछ नहीं करना, श्वास तो जा ही रही है, नाक से गई अंदर बाहर आई, ये तो सदा चल रही है, श्वास तो चल ही रही है, श्वास ने बंद होना नहीं। तो तू इसका इसको देखने लग, बंद आंखों से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, कोई विचार नहीं साथ में जोड़ना, कोई विचार ना जुड़े, कोई विचार ना आए, कोई भावना ना उठे, केवल ऐसे बैठो। ज्यादा नहीं, ये केवल 21 दिन कर लो तो तुम पाओगे तुम्हारा जीवन सारा बदल गया। करके देखो, करके देखो। मैंने तो अनेक बार प्रयोग में लाई चीजें तुम्हें दे रहा हूं। ये पहले भी मैंने एक कैंप में, दो कैंप में कई बार करवाया, भूल गया मैं, लेकिन करवाया है। किसी का ध्यान नहीं करना, कोई फोटो नहीं आगे रखनी, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, डूइंग नथिंग, सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, कीपिंग योर दिस स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये बैकबोन स्ट्रेट, इसी पे धन्यता आएगी। और सबसे ज्यादा खुश मैं हूंगा, मैं छलांगे मारूंगा। जिस दिन देखे ना कि महाराज जी नाचे जा रहे हैं, क्या हो गया इनको, ये तो बुढ़ापा है इनका, ये तो चल भी नहीं सकते ठीक से, ये नाच रहे हैं, जिस दिन ये देखना ना उस दिन समझ जाना
उस दिन समझ जाना धन्यता उतर आई है, बहुतों पे उतर आई है। यही तो हम चाहते हैं, जल्दी से हो जाओ ना, मुझे क्यों इतना इंतजार करा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा था 2 से 4 बजे तक रोज जागना, सुबह तुम नहीं जागे, कुछ जागे हैं आधे अधूरे, कुछ जागे हैं लेकिन वो काम नहीं बना। चलो खैर, तो गुरु माँ ने जो भी कहा है आपको, आपने सुना होगा, इनकी बात पर ध्यान देना, इनकी बातें मेरी कही हुई बातों से भी ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो वो बड़ा बड़ा कैसे पाओगे जब नीचे का स्टूल ही नहीं कायम आपका। आप सफाई रखो, सब वो करो। ये गुरु माँ को मैंने देखा है, ये आपके कमरों के बाथरूमों में खुद जाके झाड़ू लेके सफाई करती हैं, खुद। तो ये कि शर्म की बात है कि हम क्यों नहीं करते। अपना गंध है वो भी नहीं हम साफ करते तो दूसरे का क्या करेंगे। हम बड़ी बड़ी बातें बाद में करना, ये पहले छोटी छोटी जो चीजें हैं ना इनको समझो। जहां भी बैठो वहां स्वच्छतम अवस्था होनी चाहिए। भीतर की सफाई की बात हम करते हैं लेकिन बाहर कौन करेगा। बाहर की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखना, बाहर की गंदगी ही भीतर जाती है, श्वास से, तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे कानों से, तुम्हारे रोम रोम से, ये सारा मल बाहर से ही जा रहा है। अंदर जो खा पी रहे हो उससे जा रहा है, जहां बैठते हो उससे जा रहा है। साफ रखो अपने, सब कुछ साफ रखो, और थूकना नहीं कहीं, इधर नहीं थूकना, उधर नहीं थूकना। एक टाइम तो हो गया है, टाइम से ज्यादा हो गया है समय से, लेकिन एक बात मुझे बार 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 आती है, वो मैं कह दूं। 2-4 दिन पहले यहाँ बैठे हैं रामनाथम, रामनाथम है यहाँ, हाँ कहाँ है, ये बैठा पास में बैठा, जवाब नहीं दे रहा, ये बैठा देख लो रामनाथम, ये हैदराबाद से आया है। ये कुछ दिनों से मुझे लगातार पूछ रहा है, एक ही बात पूछ रहा है, महाराज जी आप तो भगवान हो और आपसे चला भी नहीं जा रहा ठीक से। देखो सवाल इसका, और शंकरलाल जी हमारे यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और वहाँ के आचार्यों से भी ऊपर हैं हैदराबाद में, इनसे पूछो। इनसे मैंने कहा, इन्होंने कहा कि बात तो ठीक कही है, बात तो ठीक पूछी है। ये तो हम भी जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहते हो? हाथों में कंपन है, शरीर में जर्जर है, 86 साल की उम्र में। गुरु माँ कहती है नहीं 86 नहीं, आप तो 88 के हो गए। तो आप क्या चाहते हो? ये शरीर है, शरीर गुरु नहीं है। फिर वही भूल कर रहे हो, जिस भूल का सुधार मैंने शुरू से करना शुरू किया था, शुरू से डे वन से, उसी का भूल फिर से कर रहे हो। ये शरीर जो कंपता है, ये शरीर जो टूटता है, ये शरीर जो गिर जाता है, ये शरीर एक दिन झरेगा, जल्दी झरेगा, और ये जाएगा, इसको ये कहीं दिखाई ना देगा। फोटो बना के बैठे रहना, फोटो बनी हुई है,
ये नियम है अटल प्रकृति का, और मैं प्रकृति का साथ देता हूं हमेशा। प्रकृति मेरी है, मैं प्रकृति के साथ हूं। प्रकृति का अटल नियम है कि जो जिसे सो बिन से, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है आंखों से, जो कुछ भी तुम्हें सुनाई दे रहा है कानों से, जो कुछ भी तुम्हें आभास हो रहा है बुद्धि से, चित्त से, या तुम्हारे शरीर से, या हृदय से, जो भी आभास हो रहा है वो सब विनाश होगा, वो विनाश होगा। वो अभी अभी है, अभी अभी चला जाएगा। वो देखो वो पत्ते थे हरे, वो हो गए पीले पड़ गए, अब वो गिरने के कगार पे हैं, वो गिर जाएंगे। उधर देखो वो कौआ, वो बैठा हुआ था अभी उड़ गया। ऐसा है जीवन सबका, तुम्हारा भी मेरा भी। ये शरीर जाएगा, किसका नहीं गया उसका बता दो। परम दयाल जी महाराज जिनका जन्मदिन मना रहे हो, उनका गया कि नहीं गया? वो महीनों भर कोमा में रहे, जाने से पहले दूर कर लेते अपने कोमा को। बीमारियां थी, पहले भी बहुत तंग थे, प्रोस्टेट था तो बैठ नहीं सकते थे थोड़ी देर में। एक वो थूकने के लिए थूकदान रखते थे साथ में, वो चाहिए सारा दूसरा टॉयलेट वगैरह का। ये शरीर है, इसको मरण धर्मा कहा है वेदों में। इसका काम है मरना, ये पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है। पैदा होते ही, उगते ही, बनते ही ये क्षीण होना शुरू हो जाता है, क्षीण होगा। बुद्धि भी क्षीण होगी, ये शरीर भी क्षीण होगा। मुझे नाम भी याद नहीं आते अब कई लोगों के, पहले आते थे। क्षीण हो गई मेमोरी, क्षीण हो गई। ये सब मैंने अपने आप पे आजमाया है। तुम शरीर को नहीं रोक सकते, लेकिन इस शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा बिंदु है जो सनातन है, जो सदा है, जो नित्य है, जो निरंतर है, जो कभी नहीं जाएगा, जो कभी नहीं जाएगा उसकी पूजा करो, जो कभी नहीं जाएगा वो है परमात्मा। कभी नहीं जाता है, उसी का अंश तुम्हारे भीतर, सबके भीतर है। मुमै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मुमै वांशो, मैं ही हूं। परमात्मा तुमसे कहता है मैं ही हूं, तुम भी मैं हूं, मैं भी तुम हूं, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैसे तुम कपड़े मैले उतार देते हो, वैसे ही जब ये शरीर मैला हो जाता है तो मैं उतरवा देता हूँ, उतर जाएगा और मिल जाएगा। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर खोखला है, ये एक बाहर का कवच है तुम्हें मिला हुआ। तुम नहीं हो ये, तुम वो भीतर का जो अनश्वर तत्व है, तुम वो हो। उसी को सतगुरु ने वो परम के साथ मिला लिया, बस इतना ही फर्क है। तुम अकेले रह गए, तुम अलग रह गए, तुम न वहां मिल पाए, इसलिए आज दुख है जीवन में। सुख उसी समय आ जाता है जब तुम वहां मिल जाते हो। ये जो मैंने तुम्हें विधियां दी हैं, इन विधियों को करना। अरे रामनाथ, तेरा वो उसका क्या हाल है, रामकृष्ण परमहंस का क्या हुआ है? रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में
वहाँ उन जैसा संत नहीं हुआ, आज तक ना हुआ उस इलाके में। वो विवेकानंद के गुरु थे और विवेकानंद स्वयं बेचारा बेशुमार बीमारियों से मुबतला था, अंत में बड़ी छोटी उम्र में चला गया, 33 साल का, 33 साल की कोई जिंदगी होती, 33 साल में चला गया। लेकिन बीमारियां बेशुमार थी उसको, किस किस के नाम लाऊं, रमणा महर्षि जो कैंसर से पीड़ित रहे, रमणा महर्षि तुम्हारे साउथ के सारे, मैं बार बार नहीं लेना चाहता नाम, तुम्हें नहीं बताया ईश्वरैया जी वहाँ, उनको ले लेके वो लाने के लिए, स्टेज पे लाने के लिए 4 लोग उनको उठा के लाते थे, तब वो स्टेज में दर्शन करके फिर ले जाते थे उनको। तो मिसालें किस किस की दें, सभी सभी का एक ही हाल है, सभी का एक ही अंत है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे संत है चाहे असंत है, क्योंकि शरीर सबका वही है, क्योंकि वो नाशवान तत्व सबका वही है, एक ही है और उसकी एक ही मंजिल है विनाश। उसको पकड़ो जो कभी नहीं जाता, जो कभी नहीं जाता। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो तुम हो। आज मैंने बहुत बोला है, आपके साथ कुछ बातें थी, इन्होंने उठाई हुई, गुरु माँ ने जो कहा है मैं उसका एक एक शब्द तस्दीक करता हूँ, और मेरे भी वही कहना था, इन्होंने कह दिया। तुम कृपा करो इनके ऊपर, इनको बार बार जा कर के आपकी लेटरिन खुद साफ ना करना पड़े। रखे हैं लोग यहाँ लेकिन वो काम नहीं करते, वो स्टैंडर्ड नहीं है। लोगों को सफाई पे रखा हुआ है, ये मत समझना कि सफाई पे नहीं रखा हुआ, तो लेकिन जब जा कर के ये देखती हैं तो उसी जगह को जो साफ करके गया है वो गंदा छोड़ गया है। तो अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, अपने अपने लेवल के अनुसार हर आदमी काम करता है, जितनी उसकी बुद्धि भगवान ने दे रखी है। अभी देखो ये ज्योत का समान लड़की है, यह ज्योति हमारी सेवा में है, उसने ये तैयार की थी, ये मैंने पूछा, इन्होंने बताया, उसने परमदयाल जी महाराज की फोटो के आगे जो आरती का सामान तैयार करना था उसने किया था। टीके की वो जो जहाँ टीका रखा है, टीके की उस छोटी सी बर्तन में पानी नहीं है, सूखा है टीका, और जो धूप है वो धूप जल नहीं रही है, जो ज्योत है वो ज्योत जमे हुए मक्खन में लगा दी है, वो घी जमा हुआ है, वो जब तक पिघलेगा नहीं और चढ़ेगा नहीं ऊपर उसमें ज्योत में, तब तक वो जलेगा कैसे। तो काफ़ी देर हमें वहाँ रुकना पड़ा जलाने के लिए। तो इस तरह से हैं, किसको क्या कहोगे, लोग अपनी अपनी मति के अनुसार काम करते हैं। तो मैं कहूँगा गुरु माँ से कि उनको क्षमा करो, हम बार बार कहते हैं कहते हैं कहते हैं, फिर भी क्षमा करो, क्षमा करो, जो जैसा है उत्तम है, जो जैसा है ठीक है। सबको मेरे आशीर्वाद, सबको मेरा राधा स्वामी, सबको मेरे प्रणाम। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आरती होने के बाद
पूरे डिसिप्लिन के साथ, बिना झगड़े, बिना धक्कम धुक्की के, यहां से आएंगे। आरती हो जाने के बाद